नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने एक नया पाठभाग शुरू किया। क्या नाम है इसका, किसी को बता सकते हैं? हाँ, दिशाहीन दिशा। इसका लेखक श्री मोहन रागेश है। मोहन रागेश का यात्रा वृत्त है दिशाहीन दिशा। इसमें लेखक ने अपनी एक सैर का चित्रण किया है। यात्रा के बारे में उनके मन में पहले कोई रूपरेखा नहीं थी। मित्रों ने दक्षिण भारत के कुछ जगहों के खूबियां बताई थी। सभी जगहों के प्रति लेखक के मन में आत्मीयता जागती थी। आगे देखिए, सबसे अधिक आत्मीयता कन्याकुमारी के तट को लेकर महसूस होती थी। परंतु एक घने शहर की छोटी सी तंग गली में पैदा हुए व्यक्ति के लिए उस विस्तार के प्रति ऐसी आत्मीयता का अनुभव करने का आधार क्या हो सकता था? केवल विपरीत का आकर्षण। बच्चों, हमने पहले ही बताया कि घर में चलते समय लेखक के मन में यात्रा की कोई रूपरेखा नहीं थी। लेखक को सारे स्थानों के प्रति एक ही आत्मीयता थी। सबसे अधिक आत्मीयता कन्याकुमारी के तट को लेकर महसूस होती थी। महसूस करना, टू फील। लेखक को सबसे अधिक आत्मीयता कन्याकुमारी पर हुई थी। परंतु एक घने शहर की छोटी सी तंग गली में पैदा हुए व्यक्ति के लिए उस विस्तार के प्रति ऐसी आत्मीयता का अनुभव करने का आधार क्या हो सकता था? यह लेखक पूछता है कि मैं एक छोटी सी तंग गली में पैदा हुए थे, उस व्यक्ति के लिए इस विस्तार के प्रति ऐसी आत्मीयता क्यों हुई? लेखक भी इसका उत्तर देता है, केवल विपरीत का आकर्षण होगा। ठीक है, घर से चलते समय कुछ निश्चय नहीं था कि कब, कहां, कितने दिन रहूंगा। हाँ, चलने तक इतना निश्चय कर लिया था कि पहले सीधे कन्याकुमारी न जाकर बंबई होता हुआ गोवा चला जाऊंगा और वहां से कन्याकुमारी की ओर यात्रा प्रारंभ करूंगा। यह इसलिए चाहता था कि मेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव कन्याकुमारी हो। देखिए, घर से चलते समय कुछ निश्चय नहीं था कि कब, कहां, कितने दिन रहूंगा। लेखक को अपने घर से निकलते समय कहां जाना है, कितने दिन जाना है, कब जाना है आदि के बारे में कोई निश्चय नहीं था। चलने तक इतना निश्चय कर लिया था कि पहले सीधे कन्याकुमारी न जाकर बंबई होता हुआ गोवा चला जाऊंगा। उन्हें इतना निश्चय कर लिया था कि पहले कन्याकुमारी न जाकर बंबई होता हुआ गोवा चला जाऊंगा और वहां से कन्याकुमारी की ओर यात्रा प्रारंभ करूंगा। यह इसलिए चाहता था कि मेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव कन्याकुमारी हो। पड़ाव माने हॉल्टिंग प्लेस। लेखक चाहता था कि उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव कन्याकुमारी होना है। ठीक है, आगे देखिए, दिसंबर सन 52 की 25 तारीख थर्ड क्लास के डिब्बे में ऊपर की सीट बिस्तर बिछाने को मिल जाए वह बड़ी बात होती है। मुझे ऊपर की सीट मिल गई थी। सोच रहा था कि अब बंबई तक की यात्रा में कोई असुविधा नहीं होगी, रात को ठीक से सो सकूंगा। मगर रात आई तो मैं वहां सोने की जगह भोपाल ताल की एक नाव में लेटा बूढ़े मल्लाह अब्दुल जब्बार से गजलें सुन रहा था। देखिए, दिसंबर सन 52 की 25 तारीख 1952 दिसंबर 25th थर्ड क्लास के डिब्बे में ऊपर की सीट बिस्तर बिछाने को मिल जाए। लेखक ट्रेन यात्रा शुरू किया। उसको थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में ऊपर की बिस्तर या सीट मिल गई, ये तो बड़ी बात होती है। मुझे ऊपर की सीट मिल गई थी। सोच रहा था कि अब बंबई तक की यात्रा में कोई असुविधा नहीं होगी। उसने सोचा कि अब तो बंबई तक की यात्रा में कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी।
रात को ठीक से सो सकूंगा। उसे रात में ठीक से सो सकूंगा, मगर रात आई तो मैं वहां सोने की जगह भोपाल ताल की एक नाव में लेटा बूटे मल्लाह अब्दुल जब्बार से गजले सुन रहा था। ताल माने लेक। उसने रात में भोपाल ताल की एक नाव में लेटा बूटे मल्लाह अब्दुल जब्बार की गजले सुन रहा था। मल्लाह माने बोटमैन, एक बूटे बोटमैन की गजले सुन रहा था। ठीक है, भोपाल स्टेशन पर मेरा मित्र अविनाश, जो वहां से निकलने वाले एक हिंदी दैनिक का संपादन करता था, मुझसे मिलने के लिए आया था, मगर बात करने की जगह उसने मेरा बिस्तर लपेटकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद मेरा सूटकेस लिए हुए नीचे उतर गया। इस तरह मुझे एक रात के लिए वहां रह जाना पड़ा। देखिए, भोपाल स्टेशन पर मेरा मित्र अविनाश, जो वहां से निकलने वाले एक हिंदी दैनिक का संपादन करता था, मुझसे मिलने के लिए आया था। देखिए, भोपाल स्टेशन पर लेखक के मित्र अविनाश लेखक को मिलने के लिए आया था, मगर बात करने की जगह उसने मेरा बिस्तर लपेटकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने जो बातें करने के बदले मेरा बिस्तर लपेटकर खिड़की से बाहर फेंका। लपेटना माने टू रोल अप, और खुद मेरा सूटकेस लिए हुए नीचे उतर गया। उन्होंने मेरा सूटकेस लेते हुए नीचे उतर गया। इस तरह मुझे एक रात के लिए वहां रह जाना पड़ा। इसलिए लेखक को उस रात में अपने दोस्त अविनाश के साथ रह जाना पड़ा। Today we see the second part of the lesson, Disha Hin Disha, written by Sri Mohan Ragesh. When the author left home, he had no idea about his travel, but the names of some places which were mentioned by his friends stuck in his mind. The most important among them was Kanyakumari. On December 25, 1952, while he was in the third class compartment, he was listening to a ghazal sung by an old man, Abdul Jabbar, who was laying on a boat on a lake in Bhopal. When he reached the station, his friend Avinash took him to his residence. Okay? बच्चों, आज की कक्षा यहां समाप्त होती है। धन्यवाद।